तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने विष्णु की खटिया के ऊपर बैठी करके अपना भाव में आविष्ट होकर के सब भक्तों को उन्होंने अपना चरण अर्पण किया और अद्वैत आचार्य ने क्या किया उसी समय में सुजग पा करके खूब महाप्रभु का चरण को खूब उन्होंने रगड़ रगड़ करके धो धो करके चरणामृत लिया है, हैं? क्योंकि अद्वैत आचार्य जी को महाप्रभु हर समय में गुरु ज्ञान करने का नाते अद्वैत आचार्य जी को हर समय सम्मान देते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य जी को तो पता मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान का मैं सेवक हूँ। लेकिन उन्होंने सुजग पा करके तो पूरा बोले चोर का रोज रोज गृहस्थ का एक दिन है, चोर का सब दिन और गृहस्थ का एक दिन उन्होंने खूब लिए। जब लिए जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु कह रहे हैं आज कोई आनंद नहीं आ रहा है और लगता है किसी पाषंडियों को साथ में तो मेरे कोई वार्तालाप नहीं हुआ, नहीं तो किसके चरण में किया हमारे कोई अपराध तो नहीं हो गया है। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे पाषंडी कहते हैं किसको है, कल हम लोग ने श्रवण किया था। इसलिए इतने में श्री महा अद्वैत आचार्य जी ने बोले प्रभु मैंने ही वो प्रेम शोषण किया है, मैंने ही वो प्रेम को शोषण किया है। इसलिए आप तो सबको दुनिया को आप प्रेम दे रहे हो, छोटे से लेकर के बड़े को सबको प्रेम दे रहे हो, लेकिन वो प्रेम में केवल हम दो व्यक्ति वंचित रहते हैं। कहते कौन कौन है, कहते एक श्रीवास पंडित और एक श्री अद्वैत आचार्य, केवल हम दोनों ही आपका प्रेम से वंचित रहते हैं। और आपने क्या किया, बोले नित्यानंद प्रभु का प्रेम का भंडारी बना दिया, क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु जो कृपा नहीं करना नहीं देंगे, इसलिए वो प्रेम को कोई प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए नीताई करुणा हबे ब्रज राधा कृष्ण पावे, इसलिए है ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई ते नाई दृढ़ कर धर निताई रिपाई। इसलिए निताई गुण मनी अमार निताई गुण मनी अनिया प्रेम रे बन्या भाषाई अवनी। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने ही वो प्रेम की जो बाढ़ को लाए और सारा दुनिया को उन्होंने बहाया। और कैसे,
बोले अबध करुणा सिंधु काटिया मुहान घरे घरे बोले प्रेम हमियार बा। इसलिए हैं, इसलिए कहते जो प्रेम जो एक तरफ में था और एक बहुत बड़ा बांध था, कहते बांध को तोड़ने वाले काटने वाले कौन, बोले श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए निताई के कृपा के बगैर ये प्रेम को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते नित्यानंद प्रभु का आपने क्या बना दिया, कहते वही भंडारी बने नित्यानंद भंडारी। और ऐसे बोल करके श्री श्रीवास पंडित और श्री अद्वैत आचार्य जी खूब हाथ में ताली देकर खूब नाच रहे थे, हैं खूब खुश हो रहे थे। बोले क्यों, महाप्रभु का चरण को सुजोग पा करके खूब उन्होंने धो करके चरणामृत लिया और अपना चरण को महाप्रभु के चरण में खूब रगड़े, हैं महाप्रभु का चरण में रगड़े। इतने में महाप्रभु इतने दुखी हो गए, बोले मेरे सारे प्रेम को इन लोगों ने शोषण कर लिया, सारे प्रेम को इन लोगों ने शोषण कर लिया, चूस लिया सारे प्रेम को। अगर जीवन पा करके अगर कृष्ण प्रेम नहीं हो, बोले कृष्ण प्रेम बिना मोर दरिद्र जीवन, अगर जीवन में किसको अगर कृष्ण प्रेम नहीं हो, कहते जगत में सबसे बड़ा गरीब कौन है। हम लोग सोचते हैं शायद हमारे पास में रुपया पैसा धन दौलत नहीं, शायद हम लोग गरीब है, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु कहते नहीं, सबसे बड़ा गरीबी वही है जिसको पास में कृष्ण प्रेम संपत्ति नहीं है। इसलिए कृष्ण जब राय रामानंद को महाप्रभु प्रश्न किया, राय बताओ तो जगत में धन में सबसे बड़ा धन कौन क्या है, बोले राधा कृष्ण प्रेम जार सही बड़ा धनी, जिसको पास में राधा कृष्ण का प्रेम धन है जगत में सबसे बड़ा धनी वही है। कौन कौन, बोले जगत में महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर हैं। इसलिए इन लोगों का देखो, बोले जिन जिन ने यह प्रेम माल लुटे वो सब माला माल हुए। इसलिए मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मेरे साधा गुरु, कृपा करे आपनायो, आयो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, आयो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती हैं आज मेरे गुरु जी की कृपा से मेरे को ये धन मिला। कौन सा धन है, बोले कृष्ण रतन धन पायो। बोले मिला कहाँ से, बोले वस्तु अमोल दी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। वो धन कहते जहाँ तहाँ ये धन नहीं मिलता है, बोले ये धन तो सदगुरु से ही मिलता है। इसलिए गुरुदेव मेरे को कृपा करके अपनाया और वो प्रेम धन मुझे प्रदान किया। बोले वो धन कैसे है, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे दिन दिन बढ़त सवाय। ये ऐसे का धन है जिसको चोर चोरी नहीं कर सकता है, हैं इसको कोई लूट नहीं सकता है, ये फूट नहीं सकता है। ये क्या होता है, बोले दिन प्रतिदिन ये धन केवल बढ़ती रहती है, ये धन केवल बढ़ती रहती है, ये धन है ये धन कभी घटेगी नहीं, ये बढ़ेगी ये धन। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर मेरे प्रेम का अगर किसने शोषण कर लिया तो जीवन रख कर क्या लाभ है, अगर प्रेम नहीं हो तो ऐसे जीवन को बेकार। इसलिए भागवत में क्या बताया, बोले जीवन सब भागवत अंग्रेणियों न जात मर्त अभिलवत जस्तु, श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्या ससस सब जस्तु नवेद गंधम। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं कि तो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मरा है, हैं? इसलिए भागवत एक नया संदेश दिया, बोले क्या है, बोले एक व्यक्ति श्वास ले रहा है, हैं? श्वास प्रश्वास ले रहा है, आंख में देख रहा है, मुंह से बोल रहा है, श्वास प्रश्वास ले रहा है, लेकिन होते हुए भी मरा है। ऐसे लोग देखे हो भागवत नया सुखदेव सुत गोस्वामी नया खबर देते हैं। हम किसको जिंदा कहते हैं, जो चलता है फिरता है बोलता है बात करता है वो जिंदा है,
लेकिन सुत गोस्वामी कहते ऐसे व्यक्ति क्या देखे हो जो चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, श्वास ले रहा है, तभी भी जीवन सबो मतलब जीवित रहते हुए भी वो व्यक्ति मृत है, मरा हुआ है। मतलब कौन है जीवन सबो? मतलब भागवतांग्र रेणु नजात मर्त अभिलेप तजस्तु। जिन लोगों ने भक्तों का चरण धूलि को अपना शरीर में अभिषेक नहीं किया चरण धूलि को द्वारा है, इसलिए सस्व सब जतु नवद गंधम भगवान के चरण तुलसी चंदन का जो खुशबू को जो जिसने जीवन में ग्रहण नहीं किया है कद जीवन सबो। वे व्यक्ति जिंदा होते हुए भी वो व्यक्ति मृत है वो व्यक्ति। इसलिए महाप्रभु वो कह रहे हैं प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन। जब प्रेम ही नहीं रहा मेरा जीवन का रखने का कोई लाभ नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इतने में उन्होंने गए और पूरा गंगा में उन्होंने झाप दे दिया, गंगा में कूद पड़े। बोले ये प्राण धारण नहीं करूंगा। महाप्रभु यहाँ क्या सिखा देते हैं, कहते अगर ये जीवन हमें मिला लेकिन ये जीवन पा करके हमने जीवन में कृष्ण प्रेम को पाने के लिए कोशिश नहीं किया, लेकिन और तो सब कोशिश किया, जगत का अच्छे डिग्री मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, बच्चे दुनियादारी दुकान मकान सब मिल जाए, सब चीज के लिए तो कोशिश किया, लेकिन हमने भक्ति के लिए कोई कोशिश नहीं किया। यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं भैया बाचार चेहो मरण भालो, मतलब बचने से भी ये मृत्यु सही है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, पाषाण कुटीब माथा आनले पसीब गौरंग गुनेर निधि कोथा गेल पाब। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अगर श्री महाप्रभु जीवन में नहीं मिले तो क्या करेंगे, ये सर को पत्थर में मार मार कर सर को फोड़ देंगे और अग्नि में प्रवेश करते हुए इस शरीर को हम क्या करेंगे, जला करके राख बना दें। क्यों, अगर जीवन में अगर भगवान ही नहीं मिले जीवन का पाकर क्या लाभ है। इसलिए महाप्रभु ने एकदम छलांग लगा दिया पानी। जब छलांग लगा दिया इतने में श्री नित्यानंद जो हरिदास ठाकुर थे उनने एकदम कूदे पानी में और कूद करके महाप्रभु को पकड़े, पकड़ कर किसी तरह से उनको बाहर उन्होंने उठाए। जब बाहर उठाए इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे को तुम लोग ने बचाया क्यों, मर रहा था अच्छा कर रहा था, क्योंकि जब जीवन में प्रेम ही नहीं रहा था जीवन धारण करके क्या लाभ है, इसे तो अच्छा बढ़िया मर जाना, तुम लोग मेरे को उठाया क्यों। इतने में अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हो गए, बोले क्यों, बोले हमने महाप्रभु का चरण धुल लिया और इसलिए महाप्रभु दुखी होकर के अपना शरीर को त्याग देना चाह रहे थे, इसलिए इसमें मैं बड़ा अपराधी हूँ। इतने अद्वैत आचार्य प्रभु ने हैं उनके चरण में गिर करके बोले प्रभु आप तो सर्व कारण का कारण हो, इसलिए आप तो जिसको इच्छा उसको दंड दे सकते हो, इसलिए प्रभु आप जो कुछ चाहते हो मेरे को आप दंड दो, मेरी अपराध हो गया है हैं। इसलिए जब उन्होंने ऐसे बोले हाँ, इसलिए यहाँ पर कद महाप्रभु भक्त अभिमान में कह रहे हैं प्रभु की वृत्ति जीवन नित्य जीवन नित्य पारे, तब महाप्रभु अभी अद्वैत आचार्य जो बोले अब हमारा प्राण को ले सकते हो, महाप्रभु कह रहे हैं बोले भगवान की भक्त का कभी प्राण ले सकते हैं, सारा दुनिया भले ही जल करके ध्वंस हो जाए लेकिन भक्त कभी भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, भक्त कभी भगवान कभी भक्तों का जीवन नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान का निवास है और ये भगवान का प्रतिज्ञा है, भले ही सारा दुनिया ध्वंस क्यों नहीं हो जाए लेकिन मेरे भक्तों का कभी ध्वंस नहीं होता। हम उड़िया में कीर्तन है महाभारत युद्ध में जो भरत या पखी है ना, घट घोड़ा ही ना रखित लगी, क्या भजन है हा? हाँ जग बंधु परिजन सामत नहीं नहीं तो उसके बाद में महाभारत युद्ध में हाँ, इसलिए कहते जैसे महाभारत युद्ध हो रहा था वहां पर एक चिड़िया था, महाप्रभु ने क्या किया, महाभारत युद्ध हो रहे
वो बचेगा कैसे? भगवान ने उसको ऊपर में घंटा को है उसको ऊपर रख करके उसका अंदर में भगवान ने उसको रक्षा किया है। इसलिए भगवान हर समय भक्तों को रक्षा करते हैं। महाप्रभु कहते हैं कभी क्या प्राण ले सकते हैं, हैं? इसलिए इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने श्री हरि अपना एक भक्तों को बोले देखो चलो हम आज जाकर के महाप्रभु बोले आज हम छुप करके जाकर के रहेंगे हैं। इसलिए कहते कहां पर छुप करके रहेंगे बोले श्री हाँ कहते कहां पर छुप करके रहेंगे बोले श्री नंदन आचार्य जो घर में हम जाकर के छुप करके रहेंगे। इसलिए उन्होंने गए श्री नंदन आचार्य जी को घर में गए और नंदन आचार्य जी जब देखा महाप्रभु का सारे वस्त्र गिले गिले तब उनको नया वस्त्र दिया, महाप्रभु का चंदन माला दिए, माला दे करके उनके चरण की पूजा करे। तब महाप्रभु नंदन आचार्य जी को बोले बोले नंदन आचार्य जी आज तुम्हारे घर में हम छुप कर रहेंगे, तुम्हारे घर में छुप कर रहेंगे, किसको बोलना नहीं। नंदन आचार्य जी बोले आपको मैं छुपा दूंगा। बोले हाँ किसको बोलना नहीं। बोले आप खीर समुद्र में जब छुप नहीं सके यहाँ क्या कहते आप तो खीर समुद्र में सो रहे थे हैं और यहाँ पर अद्वैत आचार्य जी बुलाया तो सुती आचुन खीर समुद्र सागर निद्रा भंग हैलमोर नाड़ा रघुकारी। अद्वैत आचार्य जी बुलाया तो आप खीर समुद्र में छुप नहीं सके, वहां से भाग करके यहाँ पर आए और आप कह रहे हो मेरे घर में आप छुप करके रह जाओगे हैं, ऐसे कभी हो सकता है? इसको सुन करके महाप्रभु हंसने लगे हैं और ऐसे ही रात भर उन्होंने नंदन आचार्य जी को और भक्तों को साथ में रात भर उन्होंने हरि कीर्तन हरि कथा में पूरा रात को उन्होंने बिता दिया। लेकिन इधर क्या हुआ, श्री अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंडित हैं उन्होंने महाप्रभु का चरण धुले लिए थे हैं, इसलिए बड़े दुखी हो गए। बोले आज हमारी वजह से महाप्रभु गंगा पानी में छलांग लगाए और प्राण त्याग करना चाह रहे थे, इसलिए हम दोनों बड़े दुखी। और श्रीवास पंडित और अद्वैत आचार्य तो खाना पीना छोड़ दिए। बोले आज हम ये प्राण नहीं धारण करेंगे, हम तो प्राण को ही त्याग देंगे, महाप्रभु को हमारी वजह से दुख उठाना पड़ा। जब यही किए लेकिन महाप्रभु तो सर्वत्र सब जानते हैं, हैं? सबका दुख का सहन कर सकते लेकिन भक्तों का दुख कभी भगवान सहन कर ही नहीं सकते भक्त अगर कभी। इसलिए हम कल सुन रहे थे ना महाप्रभु क्या कह रहे थे भक्तों के लिए, बोले तुम जो भोजन करते हो मैं भोजन करता हूँ, हाँ शुक्ला पर ब्रह्मचारी को बोले जब तुम भोजन करते हो मैं भोजन करता हूँ, तुम जब घर घर में जाकर भिक्षा मांगते हो पर्यटन करते हो मैं भी पर्यटन करता हूँ। इसलिए भक्तों का दुख कभी भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु इनकी दुख को देख करके महाप्रभु जब शेष रात्रि हुआ बोले मैं चलता हूँ, जाकर उन्होंने श्रीवास पंडित से मिला। श्रीवास पंडित तो बड़ी दुखी होकर बैठे हुए, महाप्रभु उनको सांत्वना दिया। बोले अद्वैत आचार्य जी क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु आपका विरह में तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, केवल थोड़ी सी उनका प्राण बचा हुआ है, थोड़ी सी प्राण टिका हुआ है, हैं? अगर नहीं जाएंगे ना आपका विरह में प्राण छोड़ दे। महाप्रभु बोले चलो चलो जल्दी जल्दी चलो अद्वैत आचार्य जी घर में, जल्दी जल्दी उनके घर में चलो। इसलिए उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य के पास में उन्होंने पहुंच करके तब उन्होंने महाप्रभु अद्वैत आचार्य को उठाया। बोले अद्वैत आचार्य उठो उठो अद्वैत आचार्य मेरे को दर्शन करो, हैं दर्शन करो। तब अद्वैत आचार्य को सांत्वना दिए, महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके हैं तो अद्वैत आचार्य कह रहे बोले प्रभु ये कुमति हमें किसने दिया, आपका जो चरण हमने धुल लिया है लेकिन आप तो सबका हृदय में आप ही बैठे हो। कहते अगर हमारी हृदय में कुमति आई तो ये कुमति दिया किसने, देने वाले तो आप ही हो ना, आपको इच्छा के बगैर तो एक पता भी नहीं हिलता है, इसलिए आप ये दुर्गति ये अहंकार आप मेरे दिए हो। लेकिन प्रभु हम तो बड़े दुखी। बोले क्यों दुखी हो? बोले आप तो सबको अपना दासत्व प्रदान किया है, हैं? लेकिन केवल ये अधम को ही आप अपना सेवा और दासत्व प्रदान नहीं किया। बोले प्राण धन देह मन सब तुमी मोर, तबे मोर दुख दाओ ठाकुर आली तोर।
बोले प्राण धन देह मन सब तुम ही मोर। कहते प्रभु आप ही तो हमारी प्राण हो, आप ही तो हमारी देह हो, आप ही तो हमारा मन, सब कुछ तो आप ही हो, हैं? तुम ही सब कुछ हो। तबे मोर दुख दाओ ठाकुर आली तोर, तब भी मेरे को आप दुख देते हो, हाँ ये आपका लीला है। इसलिए प्रभु आप कृपा करके हमें अपना दासत्व को प्रदान करो। जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब महाप्रभु ने आशीर्वाद दिए, बोले ठीक है मेरी दासत्व तुमको प्राप्त होगा, महाप्रभु आशीर्वाद दे दिया। तो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले दास करी ना मानी हा। बोलो उसके बाद दास करी ना मानी हा, है ना नाम अल्प भाग्य दास नहि करे भगवान। यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जब हम दास का नाम सुनते हैं ना, कहते हैं क्या दास बनेंगे, सारा दुनिया चाहते हैं क्या बनना, मालिक बनना सारा दुनिया चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते, प्रभु बनना चाहते हैं। इसलिए कहते दास, भैया हम दास नहीं बने, दासो तो नहीं करेंगे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ कहते हैं अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। भगवान थोड़ी सी भाग्य से भगवान किसको अपना दासत्व रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। बोले आगे है मुक्ति, तापर है सर्व बंधनास, तापर है ते पारे केव कृष्णेर दासेर दास। पहले क्या होता है, आगे है मुक्ति, पहले मुक्ति मिलती है, उसको बाद में उसकी सारे बंधन नाश हो जाता है, उसको बाद में जा करके कहीं है था पर उसको बाद में उनका दासों का कोई दास बन सकते हैं। इसलिए दास अभिमान बलदेव प्रभु भी अपने आप को क्या मानते हैं, हम भगवान का दास है। शंकर जी अपने आप को क्या मानते हैं, हम भगवान का दास है। लक्ष्मी अपने आप को क्या मानती हैं, मैं भगवान की सेविका हूँ। ब्रह्मा क्या मानते हैं, गणेश क्या मानते हैं, बोले हम सब कैसे भगवान का दास। और राधा रानी, इसलिए उनका नाम ही राधा। राधा मतलब क्या है, बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा और कृष्ण समारयेति राधा। राधा का अर्थ दो है, कहते कृष्ण जिनको आराधना करते हैं ये भी राधा, और जो कृष्ण को आराधना करती है वही राधा है। इसलिए राधा मतलब बोले जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो कृष्ण को आराधना करती है, कहती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा रानी की जितने सारी चेष्टा है, क्या चेष्टा है, कृष्ण को कैसे खुश करे, हैं? कृष्ण के लिए सुंदर कुंज बनाती है राधा रानी अपना हाथों से, कृष्ण के लिए बड़े सुंदर फूलों की माला बनाती है श्रीमती राधा रानी। कभी कभी ऐसे माला बनती हैं जो बिना धागा की, बिना धागा की ऐसे कुछ कुछ फूल है जो बिना धागा की वो बन सकती है। और राधा रानी जब तक खाना नहीं बनाएंगे ना, तब तक श्याम सुंदर भोजन नहीं करते हैं। राधा कृष्ण तो केवल राधा रानी की ही हाथ का खाना खाते हैं। इसलिए नियम है जब रसोई बनाने के लिए जाए ना, किस भाव से जाए, हैं? इसलिए गुरु जी कहते थे जब रसोई बनाने के लिए जाओ पहले राधा रानी को प्रणाम करके जाओ। राधा रानी को बोले राधे, कृष्ण तो तुम्हारी हाथ बगैर किसका हाथ का खाना खाते ही नहीं, इसलिए हे राधे रसोई तो तुम ही बनाओगे। लेकिन केवल हम क्या करेंगे, आपको पीछे थोड़ी सी आपको मदद करेंगे, आपको हम मदद करेंगे, लेकिन खाना तो आप ही बनाओगे, क्योंकि श्याम सुंदर आपके हाथ की खाना ही श्याम सुंदर खाते हैं। इसलिए जब कभी श्री राधा रानी कहते, राधा रानी का शरीर कितना कोमल है, उदाहरण देते हैं, ये चंद्रमा का किरण पड़ने पर भी राधा रानी का शरीर को जैसे ताप लगता है, ऐसे कोमलांगी। लेकिन जिस समय राधा रानी नंद भवन में श्याम सुंदर के लिए रसोई बनाती हैं, वहां पर 15-20 भाटी जलती है, भाटी चूल्हा है, भाटी जलती हैं, और उसको बीच में राधा रानी बैठती है और सब सखियों को मंजरियों को आदेश देती है, ललिते श्याम सुंदर का आने का समय हो गया, तुम ये खीर बनाओ, हे विशाखे तुम ये सब्जी बनाओ, हैं? इसलिए सुकता साकती भाजी ललिता कुष्मांड डाली डालना दूध को तुम भी दधी मोचा घंट। आज मोचा आया ना, इसलिए मोचा घंट, कृष्ण को मोचा घंट भी पसंद है। कृष्ण सुकता भी खाते हैं, हाँ सुकता भी खाते हैं,
इसलिए वहां पर क्या क्या राधा रानी बनाती हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, उनको पता है श्री राधा रानी कृष्ण के लिए क्या क्या चीज बनाती हैं। इसलिए राधा रानी सबको आदेश देती हैं, जल्दी जल्दी बनाओ। लेकिन राधा रानी खुद क्या बनाती है, राधा रानी अपना हाथों से विशेष एक लड्डू बनाती है जिसका नाम मनोहर लड्डू है। मनोहर जिसमें काजू पिस्ता है बादाम दे करके लड्डू बनाती है प्योर घी की है। और एक घर में बनना बड़े दूर तक उसका खुशबू जाती है, है बड़े लड्डू। और कृष्ण क्या करते हैं खाने का लास्ट में, जब तक कृष्ण वो लड्डू नहीं खाएंगे ना कृष्ण का पेट नहीं भरेगा लास्ट में। इसलिए मधुर है ना समाप्त, लास्ट में क्या खानी चाहिए मिठाई, लास्ट में मिठाई खानी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का लोग पहले मिठाई खाते हैं बाद में दूसरे चीज खाते हैं। लेकिन बंगाल उस तरह में हमारे क्या करते हैं, पहले वो सुखता देंगे कड़वा चीज देंगे और लास्ट में क्या देंगे, लास्ट में रसगुल्ला मिठाई देंगे है। क्योंकि पहले अगर मिठाई खा लो ना मुंह बंद जाती है, फिर और कोई चीज नहीं खा सकते। इसलिए कृष्ण मीठा खाते हैं और मीठा खा करके कभी कभी कृष्ण ने देखा तो राधा रानी मेरे लिए बड़ी सुंदर लड्डू बनाई। राधा रानी क्या करती हैं, एक छोटा सा झरखा झरखा है राधा रानी वैसे वहीं से ऐसे करके देखती है। क्योंकि राधा रानी बड़ी जतन करके हर चीज को बनाई है, जतन करके। और श्याम सुंदर कैसे उसको सेवा कर रहे हैं उसको देख देख करके, जैसे कोई बढ़िया चीज खाते हो ना आपको देना मुंह का आकृति बदल जाएगा। कोई बढ़िया चीज खाओ ना मुंह का आकृति बदल जाती, देखने से पता चलता है बढ़िया अच्छे तरह से अंगुल चाट चाट कर खा रहे। और राधा रानी वहीं से देख देख करके, क्योंकि एक एक चीज को बड़ी जतन करके राधा रानी श्याम सुंदर के लिए बनाई। इसलिए कृष्ण जब खाते हैं इसलिए राधा रानी वहीं से देख कर बड़ी प्रसन्न होते हैं। कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, कहते मैं तो खाया लेकिन मेरे सखाओं को मिला नहीं। इसलिए कभी कभी कृष्ण अपना सखाओं को खिलाने के लिए, जैसे लड्डू तो खाया खा करके ना मुंह को टेढ़ी कर दिया जैसे अच्छा नहीं हुआ। राधा रानी कहती है क्या भाई इतने जतन करके बनाया क्या लड्डू, क्या सचमुच से अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण ने क्या कि उसको जो सखा था ना मधुमंगल वो ब्राह्मण है पास में, वो तो मीठा खाने में मस्त है उनको दे देता है। और छले बले लड्डू खाए श्री माधो मंगल बगल बजाए यार दे हरि बोल बजबा का तबातल श्री गौर हरि बजबा का तबातल श्री गौर हरि। कहते छले बले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, मधुमंगल क्या करते छले बजे छले बले मतलब जोर जबरदस्त कृष्ण के हाथ से लड्डू छीन लेता है। अगले तू खाओगे मेरे को नहीं दोगे हैं, और लड्डू खा करके बोले बढ़िया लड्डू बगल हो जाए मतलब खूब क्या बनाया लड्डू बड़ा सुंदर लड्डू है हैं। इसलिए कहते राधा रानी, कहते स्वयं राधा रानी जो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के लादिनी शक्ति कृष्ण जिनको स्वयं चरण की जो सेवा करते हैं राधा रानी मान कर, तो कृष्ण क्या करते अपना चरण से राधा रानी के चरण में झुका देते। ऐसे श्रीमती राधा रानी करती हैं क्या कृष्ण की सेवा। इसलिए देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परादेवता, इसलिए राधिका। इसलिए कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं वह जो कृष्ण की आराधना करती है। इसलिए कहते जो दास शब्द है जो सारा दुनिया भगवान की दासोत, विश्व ब्रह्मांड भगवान की दासोत करते हैं। इसलिए भगवान हनुमान क्या साधारण है, भगवान राम की हनुमान कौन है, भगवान का दास है। आप देखना जितना भगवान राम का मंदिर होगा ना उससे ज्यादा हनुमान का मंदिर, ज्यादा हनुमान का मंदिर देखोगे, जितने भगवान कृष्ण राम की मंदिर देखोगे उससे ज्यादा माँ देवी शंकर जी के मंदिर देखोगे। क्यों, शंकर जी कौन है भगवान की शुद्ध दास है, माँ देवी कौन है वैष्णवी और दासी है। इसलिए भगवान की जितने जगत में पूजा है ना उससे ज्यादा पूजा किसकी है, उनकी सेवकों का, दासों का ज्यादा जगत में पूजा होता है, हैं? दासों का पूजा ज्यादा जगत में अभ्यर्थना होता है। इसलिए कहते भैया अल्प भाग्य में कोई दास मत समझो। इसलिए भगवान महाप्रभु ने श्री अद्वैत आचार्य को क्या आशीर्वाद दिया, बोले जा
आज से तुम्हारी मेरे दास बन गए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री अद्वैत आचार्य की। इसलिए भूख लग गया कि नहीं? हाँ, अभी तो नहीं लगा तो अद्व। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने एक दिन उन्होंने ब्रज लीला की आवेश में आकर के उन्होंने उन्होंने बोले आज हम एक नाटक करेंगे। बोले क्या है? बोले आज महाप्रभु स्वयं रुक्मिणी के आवेश में महाप्रभु स्वयं रोल करेंगे, रुक्मिणी के आवेश में। बोले उसमें कौन प्रवेश कर सकता है? बोले सभी प्रवेश नहीं कर सकते, केवल जो जितेंद्रिय होंगे, केवल जितेंद्रिय व्यक्ति ही वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। इतना सुनते ही अद्वैत आचार्य श्रीवास बोले प्रभु हम तो प्रवेश नहीं कर सकते भैया, हम तो जितेंद्रिय है ही नहीं, हम कैसे प्रवेश करेंगे? महाप्रभु बोले भैया तुम लोगों को तो लेकर के हमारी सब लीला है, इसलिए तुम लोग मेरे आशीर्वाद से सब के सब तुम जितेंद्रिय हो जाओगे। इसलिए ये लीला कहाँ पर होगी? बोले चंद्रशेखर घर में ये सब के सब उपस्थित हो ना, वहीं पर ही हाँ, लक्ष्मी वेश में हाँ, महाप्रभु स्वयं वहां पर लीला करेंगे, नृत्य करेंगे। इसलिए जहाँ पर श्री मुकुंद जहाँ कीर्तन किया, हरिदास को तुंड गया था, वैकुंठ से अभी मैंने लौटा हूं, लेकिन देखा वैकुंठ खाली है, वैकुंठ खाली, वहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं। हमने सुना है वो जो जो नारायण है ना, अभी श्री नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में वहां पर जन्म हुए हैं। इसलिए कहते जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी है रुक्मिणी के बेस उन्होंने धारण किया, क्या सुंदर इनका रूप, जिसको देख करके कहते श्रीवास पंडित तो देख करके जहाँ पर बेहोश हो गए हैं। और गोपी वेश में कहते श्री गदाधर कहते उन्होंने ब्रह्मानंद उन्होंने गोपी वेश उन्होंने रचना किया, गोपी वेश लिया है। इसलिए महाप्रभु स्वयं कहते विदर्भ देश का जो राजा है की बेटी जैसे श्री रुक्मिणी है, ठीक उसी रुक्मिणी की भाव में श्री महाप्रभु आविष्ट होकर के भीष्म की कन्या रूप में आविष्ट होकर के जिस समय नारद जी इनको बचपन करते थे, कृष्ण कथा सुन सुन करके इनके रोम रोम में भगवान कृष्ण बैठ गए। बोले शादी करूंगी तो श्री द्वारकाधीश को मैं शादी करूंगी। इसका बड़े भैया रुक्मी था, बोले क्या कृष्ण को साथ में मेरी बहन की शादी होगी? हमने सुना कोई कहते ये जसोदा नंदन, कोई कहते ये नंद के बेटा, कोई कहते ये वसुदेव का बेटा है, हैं वसुदेव का बेटा, पता नहीं कहाँ जन्म लिया पता नहीं। और ये बचपन में हमने सुना ये क्या गैया को पीछे पीछे डोलता था, गैया चराया करता था, में घर घर में क्या मक्खन भी चोरी किया, उसने मिट्टी भी खाया, जिसके लिए मैया जसोदा जब उन्होंने मटकी पड़ी मैया उखल में बांध दिए। बोले भैया इसे व्यक्ति को साथ में अपना बहन को मैं शादी नहीं दे सकता, शादी दूंगा तो बड़ी कोई राजा महाराज को साथ में, किसको साथ में? बोले शिशुपाल है, शिशुपाल को साथ में शादी दूंगा अभी, लेकिन भीष्म के पिता की क्या इच्छा है मेरी बेटी का शादी कृष्ण को साथ में हो, है कृष्ण जैसे कोई मिले, कोई भगवान है कितने सुंदर है कितने प्रताप है, लेकिन घर में तो पिताजी का बात चलता नहीं, बड़े भाइयों का बात चलता है। वो जोर जबरदस्ती सुने शिशुपाल के साथ में उन्हें शादी करने का ठीक कर दिया। जब कर दिया, जब रुक्मिणी को ये बात पता चला ना, उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को बुला करके एक सुंदर उन्होंने पत्र लिखे। यहाँ पर महाप्रभु वही लीला कर रहे हैं, इन्होंने उन्होंने रुक्मिणी की आवेश में आकर के श्री महाप्रभु पत्र लिख रहे हैं। क्या पत्र लिखे? अद्भुत उन्होंने पत्र लिखा है। बोले हे श्याम सुंदर, कहते भुवन सुंदर में, जगत में तुम्हारा जैसे जगत में कोई सुंदर है नहीं, अगर जगत में कोई पति बनने का लायक केवल तुम ही पति बनने का लायक हो। पति मतलब क्या है? मतलब जो पालना करती, मतलब जो संसार से जो हमें त्राण कर ले, पालना करे संसार भव सागर, जो वो पति है। लेकिन जगत में कोई भी पति बनने का लायक है नहीं। बोले क्यों? बोले जो स्त्रियां जिनको पति रूप में वर्ण करती हैं, किसको पति रूप में वर्ण करती हैं? जिसको करती हैं ये हड्डी मांस
है पी की खून से बना हुआ शरीर को कर पति रूप में मानता है। शरीर में क्या है, हड्डी अंदर फाड़ दो ना सब भाग जाएंगी यहां से, या भाग जाए कोई बैठेगा नहीं, किसी पेट को फाड़ दो ऐसे टाटी पेशाब खून पी सब भाग, कोई रहेगा नहीं। इसलिए पंच रचित यह अधम शरीर है। इसलिए आप ब्यूटी पार्लर में जाओ, बढ़िया सजो, सज करके आप केवल बाहर 5 मिनट ही निकलो, देख रहा पूरा शरीर पसीना पसीना, रोम रोम से बदबू निकलेगा, रोम रोम से बदबू निकलेगा। और सवेरे उठो क्या, मुंह से बदबू, नाक से बदबू, आंखों से बदबू, नीचे से तो थे बदबू बदबू है, बदबू बदबू निकलता है। इसलिए कहते ये पंच रचित ये अधम शरीर। रुक्मणी कहती है बोले हे प्रभु, ये जो जिसको पति रूप में वर्णन करते हैं टाटी पेशाब खून, ये चीज को पति रूप में वर्णन करते हैं, लेकिन ये कोई भी पति बनने का लायक है नहीं। पति बनने का लायक तो केवल तुम ही जगत पति जगन्नाथ हो, जो सचिदानंद रूपायो सत चित आनंद स्वरूप है। इसलिए हे प्रभु, जब तक आप ही जगत पति, जब तक ये जीव आपको पति रूप में प्राप्त नहीं करता है, तब तक ये मांग भरेगी मांग मिटेगी, शंखा पहनेगी शंखा शंखा टूटेगी। कब तक ये संसार टूटेगी और ये मांग मिटेगी, बोले जब तक तुम्हें पति रूप में कोई प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए जगत पति केवल तुम हो। इसलिए अगर आप मेरे को ये दुष्टों से अगर आप मेरे को उधार नहीं करोगे, जन्म जन्मांतर कर तक ये शरीर में त्याग कर सकते हो, लेकिन ये श्रीगालों को कोई मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तुम सिंह हो, अगर सिंह के हिस्सा अगर ये सियाल लोग ले गया ना, किसका बदनामी होगा, शेर का ही बदनामी। तो पुरुष सिंह हो, इसलिए आपको प्राप्त जब तक नहीं करूंगी, ये शरीर को त्याग करते रहूंगी बस। इतना सुन करके कृष्ण आए है और आ करके उन्होंने रुक्मिणी को उन्होंने उठा करके रुक्मिणी को उठा करके उन्होंने लेकर के चले गए। इसलिए यहाँ पर रुक्मिणी भाव में महाप्रभु यहाँ पर भगवान के पास में उन्होंने पत्र लिखे हैं, लेकिन महाप्रभु जो रुक्मिणी रूप धारण किया, कोई देख रहे थे ये कैसे साक्षात कमला देवी, कोई देख रहे थे साक्षात महालक्ष्मी, कोई देख रहे थे जोग माया, कोई देख रहे थे ये सीता, कोई देख रहे थे ये भानु दुलारी श्रीमती राधा रानी, उनको कोई पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए महाप्रभु को ये लीला देखकर सबके सब मुक्त हो गए। और महाप्रभु ने हैं, महाप्रभु ने क्या किया, रुक्मिणी के आवेश में उन्होंने जितने वहां भक्त लोग थे ना, सारे भक्त लोगों को महाप्रभु ने स्तन पान कराया, क्योंकि महाप्रभु रुक्मिणी वेश में कौन है, ये जगदम्बा जगजननी स्वयं है। इसलिए सबको उन्होंने स्तन पान कराया और भक्त लोग ये रूप का दर्शन करते हुए सबके सब हैं, कोई रो रहे थे, कोई धैर्य धारण नहीं कर पाए, सबके सब कोई रो रहे थे। और ऐसे ही करते 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 उनका पूरा रात, उन्होंने इस लीला में पूरा रात बीत गई। पर जब रात बीत गई क्या हुआ, फिर हम इसको कल सुनेंगे। हरे कृष्ण, देखो सुनो, कल है भागवत कथा सुने, क्योंकि एक भक्त ने हैं, उनका पूर्वजों के लिए उन्होंने भागवत करवाना चाहते हैं, इसलिए उनको आत्मा को शांति मिले, पूर्वजों का आत्मा को शांति मिले, पितरों को शांति मिले, तो क्योंकि भागवत कथा से ही उनकी उद्धार होता है। जैसे भागवत में कथा आया ना धुंधुकारी का, जब धुंधुकारी ने उनको वेश्या ने बुरी तरह से मार दिया, पर उसने प्रेतात्मा बन गया। गोकर्ण ने कहा तुम्हारे लिए मैंने गया, मैं पिंड देकर के आया, तेरे को उद्धार नहीं हुआ। बोले भैया मैंने इतना पाप किया, एक बार क्यों, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे तभी मेरी मुक्ति नहीं होगी, तभी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतना मैंने पाप किया है। इसलिए जब उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की कैसे उद्धार होगा, सूर्य देवता बोले केवल ये श्रीमद् भागवत कथा से ही इनकी मुक्ति मिलेगी। जब उन्होंने भागवत कथा सुनाए, इसी कथा से ही गोकर धुंधुकारी की उद्धार हुई। और उन्होंने सबके सब देखा, वैकुंठ से विमान आया और उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण करते हुए विमान में बैठे और उन्होंने भगवत लोक को गमन किए हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे होता है पितर दोष में, घर में सब कुछ है,
रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ, लेकिन कभी कभी दिखाई पड़ता है घर में शांति नहीं। घर में सब कुछ किसी चीज कमी नहीं, लेकिन घर में शांति नहीं। सब कुछ रहते हुए भी सब पूरा घर के घर परेशानी, हाँ कोई काम नहीं बनता। बोले क्यों? बोले जब हमारे पितर लोग पूर्वज लोग जो शरीर छोड़कर चले गए, वो बंद कर, जब जो छोड़ कर चले गए, कहते अगर वो लोग नाराज अगर हमारे ऊपर हो, कहते घर में शांति सुख नहीं रहता। इसको पितर दोष कहते हैं। इसलिए केवल भागवत कथा से इनको उद्धार होता है। इसलिए कुछ भक्त लोगों ने उनके पूर्वजों के लिए कुछ कथा करेंगे, कथा करवाएंगे। इसलिए कल से हम लोग 7 दिन तक हम लोग शाम को 4:30 से लेकर के 6:30 तक, ठीक है, 6:30 तक 7 दिन तक हम लोग भागवत कथा सुनेंगे। और कल महाराज भी आ जाएंगे, भक्त लोग भी कल आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, दयाल दिताई दयाल गौर दयाल दिताई दयाल गौर, जय सचिन जय गौरी सपार्षद जय गौरी, जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा देवी जय सुदर्शन, राम राम राम
जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गुरुदेव जय गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंद हरि हरि जय श्री श्री गुरु गुरुनाथ मधुरमी जयलीलाशल भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जयलीलाशल भक्त वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जयलीलाभ्रष्ट भक्त वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जय भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जय भक्ति सिद्धांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपरिकर गौर हरि की जय अंतर गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद बंद कर दिया।